आवाज आवाज भारत की देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज समता आवाज की टीम सहारनपुर स्थित गांव सब्बीरपुर में आई है, जहां पर आज बहन कुमारी मायावती जी का दौरा है। यहां पर 5 मई 2017 को कुछ तथाकथित स्वर्णों द्वारा दलित जो समुदाय है हमारे सब्बीरपुर गांव के अंदर लगभग 50 से ज्यादा घर उन लोगों के जला दिए गए, मारा गया, पीटा गया, तलवारों से काटा गया। पूरे देश में जो एक दलित उत्पीड़न की लहर जो दिखाई दे रही है, साथियों मैंने आपको 13 तारीख को अपने पुराने इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया था सब्बीरपुर गांव के अंदर किस किस तरीके से तथाकथित स्वर्णों ने इस गांव के अंदर आकर दलितों के मकानों को जलाया, जो घर के अंदर बहन बेटियां थी उनको तलवारों से काटा, डंडोटे से पीटा। सुबह लगभग 10:30 बजे इस गांव में ये कुकृत्य किया गया, जिस समय इस गांव के सारे जो मर्द थे, युवा थे, जवान थे, वो सब ठाकुरों के खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, राजपूतों के खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, घर में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे थी। इन तथाकथित राजपूतों ने महिलाओं, बच्चों को, जानवरों को छप्पर के नीचे जो जानवर बंधे हुए थे ये भी नहीं देखा कि छप्पर के नीचे भैंस है, गाय है, उन सब छप्परों जलाया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में दिखाया था आपको लाइव में कि एक गाय का बच्चा जो लगभग 1 साल का है वो मरने की हालत में है, कहां कहां उसको तलवारों से काटा गया, पीटा गया। आप मेरे पीछे देखेंगे रविदास आश्रम सब्बीरपुर, जहां पर तथाकथित स्वर्ण राजपूतों ने रविदास जी की मूर्ति को नीचे गिराया, तोड़ा और मूत्र विसर्जन उस मूर्ति पर करने की कोशिश की गई, यहां तक के दरवाजे पर मूर्ति विसर्जन कर भी दिया। अभी बहन जी आने वाली है कुछ ही क्षणों में, यहाँ पर आप देखेंगे बहन जी के स्वागत में यहाँ पर पुलिस प्रशासन, बहन जी के अपने BVS फोर्स के वॉलंटियर्स पूरी मुस्तैदी से तैनात है। आप मेरे पीछे देखेंगे शायद दलितों की आवाज आज मीडिया के कानों में पड़ी है, आज यहाँ पर तथाकथित पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है। बहन जी की आवाज, दलितों की आवाज, शायद ये वो एक संवेदना है जो इस मीडिया के कानों में आई है एक मानव को मानव समझने के नाते, इसलिए आज इतनी मीडिया। अभी परसों दलितों ने जो दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन किया वहां पर भी नहीं थी। आप देखेंगे किस तरीके से लोग बहन कुमारी मायावती जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आतुर है। पूरा गांव यहां पर, पूरे गांव के अंदर जो हताहत हुए परिवार थे जिनके साथ उन तथाकथित राजपूतों ने मारपीट की, आगजनी की, उनके घर, उनकी दुकान सारी जला दी गई, यहां तक के उनके घर के अंदर रखा हुआ राशन, जो गेहूं इन तथाकथित राजपूतों के खेतों में उगाया जाता है इस गरीब दलित जाति के द्वारा, उस गेहूं को भी इन लोगों ने जला दिया, खराब कर दिया, जिससे कि ये लोग आगे आने वाले समय में शायद खाना भी ना खा पाए, रह भी ना पाए। इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से मारा गया, उनके दांत तोड़ दिए गए, महिलाओं को तलवारों से काटा गया। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे जो मंच यहाँ पर बनाया गया है, बहन कुमारी मायावती जी का आगमन अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर होने वाला है, वो अपने समाज को इस मंच से संबोधित करेंगी और इस मनुवादी सरकार को भी ये अपने द्वारा मैसेज देंगी कि इस घटना के विरोध में उनका समाज क्या चाहता है, क्या इस मनुवादी सरकार से अपेक्षा रखता है। मोदी जी का डिजिटल इंडिया क्या यही है? योगी जी जिस बहुमत की सरकार के साथ इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपना आगाज किया है, क्या वो ये सब अपनी आंखों के सामने देखते रहेंगे? मैं मनोज अंतानी समता आवाज टीवी चैनल से आपको दिखा रहा हूँ, बहन जी आने वाली है, बहन जी का संबोधन अभी आप थोड़ी देर में सुनने वाले। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जो गांव के लोग साथ में थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, काटाकुटी, आग जलाई, उनमें से कुछ लोगों को आप जानते पहचानते हो क्या? आप जानते थे ना? तो इसको मैं जानते नहीं, तो पता हूँ राजेश है, वो कौन है, क्या नाम है उसका? आपको पता है? राजू, विशाल और वो अन्नु, वो मोहित, राजू मोहित। ये लोग क्या कर रहे थे? एक मोटा सा लड़का था, वो सबको बताता अक्सालों को मार दो सबको। क्या नाम था उसका? राजू। राजू था वो? कौन सी बिरादरी का था वो? राजपूत। राजपूत था वो? अच्छा, तो आपकी अपनी बिरादरी से भी जो
चार्टम समाज से थे या एससी समाज से थे वो लोग भी साथ में थे कि इनको मारो इनको मारो, ऐसा नहीं था? यानी कि एक आपकी बिरादरी को ही मारा गया बस? बीच में एक कश्यप का घर आया उसे छोड़ दिया जी। अच्छा। उसे छोड़ दिया और मतलब हाँ ये किसका है जो गांव के बंदे थे ना उनसे पूछ रहे थे अगर किसका है ये किसका है।